प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की सबसे पहले जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीआरई एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम आपको जीआरई एग्जाम क्या है ये बताएंगे और जीआरई एग्जाम के थ्रू आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं ये भी बताएंगे और हम आपको जीआरई एग्जाम का पैटर्न भी बताएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना बीच में से। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको डाउट आता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना, कुछ प्रश्न हमसे पूछना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @powersavi, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर भी हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल पुराने भी हमारी वीडियोस देखते रहते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कंगार किस बात की वेट कर रहे हो। मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं पावर हाउस। चलिए अब इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जीआरई एग्जाम की फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये एग्जाम ईटीएस कंडक्ट कराता है। ईटीएस की फुल फॉर्म है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस। अगर आप अब्रॉड जाकर मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको ये जीआरई एग्जाम क्रैक करना होगा। एमएस आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, साइंस में, लॉ में, बिजनेस में या मेडिसिन में। अगर आप एमबीए करना चाहते हो इंडिया से बाहर यानी अब्रॉड में जाकर, तो कुछ इंटरनेशनल कॉलेजेस में आपका जीआरई स्कोर वैलिड होगा। जीआरई स्कोर आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज बताता हूँ जहाँ पर जीआरई स्कोर के थ्रू एडमिशन होता है। पहली है MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये है सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटीज दुनिया में जहां पर जीआरई स्कोर के थ्रू एडमिशन आपका हो सकता है। और भी हजारों यूनिवर्सिटीज है जहां से आप एमएस कर सकते हो जीआरई एग्जाम देकर। अब आपको कुछ पॉपुलर एमएस कोर्सेज के बारे में बताता हूं जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं अब्रॉड जाकर। इन कोर्सेज में हाई पैकेज लगने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। पहला कोर्स है एमएस इन एम्बेडेड सिस्टम्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एमएस इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन डाटा साइंस, मास्टर्स इन फार्मेसी, एमएस इन लाइफ साइंसेज, एमएस इन इंजीनियरिंग, एमएस इन बिजनेस एनालिटिक्स, एमएस इन फाइनेंस, एमएस इन मार्केटिंग, एमएस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट। तो ये कोर्सेज काफी पॉपुलर है अगर आप एमएस करने वाले हो। चलिए अब जीआरई एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जीआरई एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, पर आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप जिस सब्जेक्ट से एमएस करना चाहते हो उस सब्जेक्ट की अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और जीआरई एग्जाम आप 1 साल में 5 बार दे सकते हो। अब आपको जीआरई एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिटेल से बताता हूँ। जीआरई में 2 एग्जाम होते हैं, पहला है जीआरई जनरल टेस्ट और दूसरा टेस्ट है जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट। एमएस कॉलेजेस में आपका एडमिशन जीआरई जनरल टेस्ट के स्कोर के थ्रू भी हो जाता है, बट आपको अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर स्टडी करना है तो आप जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट जनरली 6 सब्जेक्ट्स में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। तो चलिए अब आपको जीआरई जनरल टेस्ट का पैटर्न बताता हूँ। जीआरई जनरल टेस्ट में 3 सेक्शंस होते हैं, पहला है एनालिटिकल राइटिंग, दूसरा सेक्शन है वर्बल रीजनिंग और तीसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जीआरई जनरल टेस्ट की ड्यूरेशन 1 आवर 58 मिनट्स की होती है। एनालिटिकल राइटिंग वाले सेक्शन में 1 क्वेश्चन होता है जो कि एक ऐसे टास्क होता है जिसमें आपको एक इशू को एनालाइज करना होता है। दूसरा सेक्शन वर्बल रीजनिंग का होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में 12 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे पार्ट में 15 क्वेश्चंस होते हैं, ये टोटल 27 क्वेश्चंस हो गए। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होता है, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में 12 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे पार्ट में 15 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी टोटल 27 क्वेश्चंस होते हैं। अब जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट का पैटर्न बताता हूँ। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 2 आवर्स 50 मिनट्स की होती है। अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट मैथमेटिक्स में देते हो तो इसमें 66 क्वेश्चंस होते हैं, अगर सब्जेक्ट टेस्ट फिजिक्स में देते हो तो 70 क्वेश्चंस आते हैं और अगर साइकोलॉजी में देते हो तो इसमें 144 क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको जीआरई जनरल टेस्ट के सेक्शंस वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। वर्बल रीजनिंग में आपके रीडिंग कम्प्लीशन आते हैं, टेक्स्ट कम्प्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चन आते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड टॉपिक जैसे डिविजिबिलिटी, फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स, ओड एंड इवन नंबर्स, परसेंटेज एंड रेशो, अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स भी आते हैं जैसे रिलेशंस, फंक्शंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जियोमेट्री टॉपिक जैसे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स, और डाटा एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक्स भी आते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड टेबल एंड ग्राफ्स। तो ये तो बात होगी सिलेबस की। अब आपको जीआरई एग्जाम की फीस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप जीआरई जनरल टेस्ट देते हो तो उसकी फीस है 22,550 रुपीज।
और अगर आप GRE सब्जेक्ट टेस्ट देते हो तो उसकी फीस है 14,500 रुपीज। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। उस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना, कुछ पर्सनली हमसे पूछना है तो हमसे इंस्टाग्राम भी पूछ सकते हो। आपको कोई भी डाउट और आपको भी घबराना नहीं है, हम आपकी मदद बिल्कुल फ्री में करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने पेरेंट्स को दिखाओ ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।